दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का फिर से स्वागत है नए वीडियो में। तो दोस्तों काफी दिनों के बाद वीडियो बन रही है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्कोप के बारे में कि इस समय क्रोशिया के अंदर डिलीवरी बॉय जॉब के लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। काफी मात्रा में यहाँ वर्कर्स चाहिए, कई कंपनियों में चाहिए। तो जो बंदा इंटरेस्टेड है क्रोशिया आने के लिए और आने का प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है यहाँ इस समय क्रोशिया आने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद यहाँ का नियम रूल्स चेंज हो जाएगा तो फिर आने के लिए थोड़ा सा समस्या होगी, प्रॉब्लम होगा। जो वर्क परमिट जल्दी निकलता था अभी उस वर्क परमिट को 2-2 महीने के से देरी से निकल रहा है, यानी कि 60 दिन के बाद ही निकल रहा है और काफी लंबा समय चला जा रहा है। तो अभी फिलहाल दिसंबर से पहले जिनका वर्क परमिट अप्लाई हो जाएगा उन लोग का वर्क परमिट पहले आ जाएगा। और जो बंदे का, जिन दोस्तों का वर्क परमिट दिसंबर में अप्लाई होगा, दिसंबर 15 दिसंबर के बाद, तो उन लोगों में काफी देरी होने वाला है क्योंकि बीच में जो है छुट्टियां आने वाली हैं तो छुट्टियां से बहुत ही लंबा समय चला जाएगा। जिनका दिसंबर में जाएगा जनवरी फरवरी में तक आएगा उसका। तो अभी डिलीवरी बॉय का यहाँ पे इसको बहुत अच्छा है क्रोशिया के अंदर इस समय। कई कंपनियां हैं जो अच्छी, उनको बहुत भारी मात्रा में बंदे चाहिए, कम से कम 50 बंदे और चाहिए डिलीवरी बॉय में। और उसके लिए रिक्वायर्ड है इंग्लिश मास्टर, लाइसेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि काम करना है साइकिल से डिलीवरी बॉय में। और आपको ये जान लेना है कि साइकिल से ड्यूटी करना है, मोटरसाइकिल से नहीं करना है। और उसमें लाइसेंस नहीं रहेगा तब भी चलेगा, विदाउट लाइसेंस का भी काम हो जाएगा। बस आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट, पीसीसी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, रिज्यूम, फोटो। अगर इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके आपका वर्क परमिट आ जाएगा। वर्क परमिट आने के बाद आप बीएफएस में वीजा एक्सटेंडिंग के लिए जमा कर देंगे, वहां से उसके बाद वीजा लग के आ जाएगा, आप इजीली यहाँ पे क्रोशिया में आ जाएंगे। यही है सिस्टम यहाँ का, मतलब इतना ही होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लंबा समय चला जाता है, 2 से 3 महीना, 3 से 4 महीना भी हो जाता है, 5 महीना भी हो जाता है, 6 महीना भी होता है। कहा नहीं जा सकता कितना टाइम लगता है करेक्ट, क्योंकि कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट होता है। तो जिनका लेट हो रहा है उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि सबका एक जैसा नहीं होता। किसी का जल्दी जाता तो इसका मतलब नहीं कि उसका भी जल्दी आ जाए, किसी का लेट भी हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है जिनका कहीं भी किधर से भी अप्लाई किए हैं, किसी भी कंसल्टेंसी किए हैं, चाहे कहीं भी दिल्ली बम्बई मुंबई कहीं इंडिया किसी भी कोने से किए हैं, आप लोग को क्रोशिया के मामले में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे तब जाके आपका आपको वर्क परमिट आ भी सकता है। अगर नहीं आया तो भाई 6 महीने या साल भर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं कितने टाइम में आएगा, इतना आप जान लीजिए। और रही बेपस की बात, बेपस में जो सबमिशन होता है, सबमिशन के बाद भी 60 दिन का वर्किंग डे है, यानी 60 दिन के अंदर आपको वीजा स्टम्पिंग करके मिलेगा। लेकिन 60 दिन के बाद भी लोग चले जाते हैं, 60 दिन के बाद भी पासपोर्ट वीजा स्टम्पिंग में नहीं मिलता है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। किसी का 1-1.5 महीने के अंदर हो जाता है और किसी का 60 दिन के बाद होता है। तो ये सब इतना टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिलीवरी बॉय जॉब के बारे में। तो उसमें देखिए रिक्वायर्ड है, आपका बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पीसीसी चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, रिज्यूम चाहिए, फोटो चाहिए। अगर इतना आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा और अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसमें ड्यूटी आवर बता देते हैं, सैलरी बता देते हैं, अकोमोडेशन बता देते हैं, टोटल बता देते हैं, आपको सारी जानकारियां बता देते हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं ड्यूटी की। ड्यूटी आपको 8 घंटे करना है, 8 घंटे जो कंपनी का रूल होगा, जो जिस टाइम से आपको ऑनलाइन होना है उस टाइम से आप 8 घंटे ड्यूटी करना है आपको। रही साइकिल की बात करते हैं, तो साइकिल आपको कम से कम 50 से 60 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, 50 से 60 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि लंबा ही चलाना है आपको, एक साइकिल में चलाना है जहां पे आपका डीलर आपको अट रहता है, जहां से उठाना है आपको, कहाँ पे छोड़ना है उससे अंदर ही होता है। लेकिन 50 से 60 दिन भर में 8 घंटे में आपको उतना चलाना है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 15, 16, 17, 18 डिलीवर भी करना पड़ता है। तो जो नए बंदे आते हैं जो इंडिया में हैं तो सोचते हैं कि भैया बहुत इजी काम है, हम तो कर लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं
तो उनको पता चलता है कि भैया बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि 50 से 60 किलोमीटर साइकिल चलाना बहुत आम बात नहीं है और ना ही तो मामूली काम है। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि इंडिया में लोग मोटरसाइकिल चले हैं, कभी साइकिल चलाया नहीं। मोटरसाइकिल एनी टाइम, मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर जाना तभी मोटरसाइकिल, कभी कभी ऐसे बंदे हैं कि उसको लेटरिन करने जाना तभी मोटरसाइकिल चाहिए। तो ऐसे बंदे को अगर साइकिल दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि पूरे पूरे दिन जो है कि आपको साइकिल चलाना है, तो उनका हालत पंचर होगा ही। तो ऐसा यहाँ पे है भैया, आपको अगर अचानक आप इंडिया से आते हो जहाँ पे आप साइकिल चलाए नहीं और यहाँ आके साइकिल चलाना पड़े एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर, तो आपका हालत पंचर होगा। इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन यदि आप फिर भी इच्छुक हैं यहाँ आने के लिए कि हाँ नहीं हमें जाना है, जाके वहां पे ड्यूटी करना है, काम करना है, डिलीवरी बॉय में जॉब करना है, तो आप बिंदास आ सकते हैं यहाँ पे और आके यहाँ आप डिलीवरी बॉय में काम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में, माना कि शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा तकलीफें झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रह गए तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत बेहतर होगा और धीरे धीरे आपका जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक साइकिल से इलेक्ट्रिक साइकिल मिल जाएगी, तो आपका और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, इसमें आप कितना कमा सकते हो। तो देखिए, इसमें आप शुरुआती दौर में अगर आते हैं तो आप अगर मेहनत करते हैं, बराबर ड्यूटी करते हैं, तो आप 50 से 60 हजार कमा लोगे शुरुआती दौर में। यदि शुरुआती दौर में यदि आप जितने पुराने होंगे, जितने ऑर्डर मिलेगा, जितने आप मेहनत करेंगे, तो उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप, मैं आपको लाख का सपना नहीं दिखा रहा हूँ कि आप लाख कमा लोगे, लेकिन शुरुआती दौर में 50 से 60 हजार आप कमा लोगे यहाँ पे। और जैसे जैसे आपका थोड़ा सा पुराना होगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे आपकी आइडिया ही बढ़ेगा क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको खुद बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो लेकिन आपको ये बता दूं कि आपको क्रोशिया में आने के लिए बहुत ही अच्छा जरिया है, आप क्रोशिया में आ सकते हैं, डिलीवरी बॉय में आके यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। और रही बात यहाँ पे ड्यूटी की, तो 5 दिन ड्यूटी, 6 दिन ड्यूटी करना है आपको, जितना भी करना है 8 घंटे, 6 दिन ड्यूटी करना है, 1 दिन छुट्टी है, चाहे आप संडे मंडे किसी दिन भी 1 दिन छुट्टी आपका कंपनी के हिसाब से मिलता है, 1 दिन छुट्टी मिलता है, बाकी टोटल काम करना है। और सर्दियों की रही बात, यहाँ पे सर्दी, इस समय सर्दी खूब है, बरसात भी हो रही है, तो बरसात में काफी समस्या चल रही है डिलीवरी बॉय के लिए, क्योंकि पूरे दिन भीग के काम करना है, पर रेनकोट मिलता है, रेनकोट मिलता है, लेकिन अगर ठंडी तो लगेगी, भले ही रेनकोट मिलता है लेकिन ठंडी लगती है, तो आपको उतना सेफ्टी दिया जाता है, जैकेट दिया जाता है, टोपी शू सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कभी कभी हवा चलती है तो भाई साइकिल चलाना है तो ठंडी का महसूस, ठंडी महसूस होती है। तो थोड़ा सा 1-2 महीने हार्ड वर्क है, उसके बाद तो जैसे विंटर खत्म हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिल जाएगा आप लोग को ठंडी से, तो बढ़िया रहेगा यहाँ पे। जो बंदा आने का प्लानिंग कर रहा है, क्रोशिया आने का प्लानिंग कर रहा है और आने के लिए सोच रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया है, आप डिलीवरी बॉय में आ सकते हैं, आके यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। तो भैया डिलीवरी बॉय में कंपनियों को 50 बंदे की जरूरत है, जिनका डॉक्यूमेंट रेडी है वो ईमेल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको ईमेल आईडी दे दूंगा, उस पर आप मेल कीजिए, और मेल करने के बाद आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको वर्क परमिट भेजा जाएगा। तो वर्क परमिट जैसे आ जाता है वैसे सबमिशन हो जाएगा, वीजा स्टैम्पिंग हो जाएगा और आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का जो है कि वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्रोशिया का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।